अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी आप लोगों ने अभी वीडियो के स्टार्ट में आगाज़ में एक वीडियो देखी जिसमें एक गाड़ी है होन्डा सिटी और इसमें एक लड़के ने पीछे शेर को बिठाया हुआ है यह वाइट टाइगर है गालबन और पेट्रोल पंप पे खड़ा है ये पेट्रोल पंप इस वक्त लाहौर के डिफ़ेंस वाई ब्लॉक का पेट्रोल पंप है यहाँ पर यह पेट्रोल डलवाने आया हुआ है इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस शुरू होगी कि यार ये क्या हरकत की है इस बंदे ने कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बब्बर शेर लग है शेर लग गए तो ये है तो वो है बड़ी बहादुरी का काम है कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा फिर आप लोगों की जो राय होगी इससे मुतल अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा अब ये वीडियो जो सामने आई में अब दो तीन एंगल से हमने इसको देखना होगा नंबर वन के इनके पास लाइसेंस है या नहीं है नंबर टू अगर इनके पास लाइसेंस है तो उस लाइसेंस की हदूद क्या है क्या आप उसको इससे सरे आम सड़कों पर घुमा फिरा सकते हैं या उसको किसी कमरे में बंद करना है या जंगले में बंद करना है नंबर तीन अगर ये इनके पास लाइसेंस नहीं है तो ये तो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है नंबर चार अगर इखलाकी लिहाज से देखा जाए तो अगर ये शेर खुदा न खास्ता इधर से जम कर करके बाहर निकल जाता है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि एक जानवर है और ये एक ख़तरनाक तरीन जानवर है ये कोई पालतू जानवर नहीं बल्कि एक जंगली जानवर है और इस जानवर ने अगर किसी को यहाँ सड़क पर किसी को भी नुकसान पहुंचा दिया किसी गाड़ी में घुस सकता है और शेर के अंदर ये चीते के अंदर या जो भी है वाइट टाइगर इसमें जितनी ताकत होती है आप सब लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक पर और इस तरह बाकी जो डिस्कवरी के चैनल होते हैं उस पर आपने देखा ही होगा इनसे मतलक तो इन्होंने अखलाकी तौर पर ये एक गलत हरकत की है नहीं करना चाहिए था तीस पाँचवीं बात चले ठीक है आपने इसको समझाया हुआ है पाला हुआ है आपने इसको बहुत ज़्यादा केयर की आप आप इसके साथ बहुत ज़्यादा आदि है या आपकी बात को समझता है आपकी उसके दरम्यान में अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये बताएं मुझे अगर 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 यहाँ पर कुछ बच्चे ख़ौन या मर्द भी या हमारी तरह लड़के भी यहाँ पर मौजूद है कोई कमज़ोर दिल के लोग मौजूद है जिनको इस ऐसे जानवरों से आम तौर पर खौफ आता है वो इसको देख कर वो खुदा न खास्ता उनको किसी किस्म का नुकसान पहुँच जाए दिल का दौरा भी आ सकता है परेशान हो सकते हैं भाग सकते हैं भगदड़ मच सकती है उससे भी तो जानी नुकसान होगा तो ये मेरे लिहाज से इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक गलत चीज़ है अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक टिक टॉकर है उसने अपने पास शेयर पाला हुआ है बाकायदा उसके कुछ सोशल मीडिया चैनल्स ने उसके इंटरव्यू भी किए लेकिन ये अभी फिलहाल मुबैना तौर पर है गाड़ी का नंबर इसमें नज़र आ रहा है लेकिन मैं गाड़ी का नंबर को रिपोर्ट नहीं करूँगा कानून का काम है एक्शन लेना जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं जो जो जानवरों से रिलेटेड जो भी अथॉरटीज़ हैं उनको पता है इस मामले के बारे में अब तक तो, तो तकरीबन अभी जिस बिंदे ने यह वीडियो शेयर की उसको तिहत्तर हज़ार लोगों ने देख लिया है और मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आप लोग भी जाहिर है इसको शेयर करेंगे तो कानून तक तो बात पहुंचेगी जाएगी अब कानून का काम है वो देखेगी अपने एंगल से जो भी इसके ऊपर कानूनी प्रोसेस होगा उस से इसको देखेंगे या शेयर को ले जाएंगे या इन दोनों को ले जाएंगे कोई भी मामला होगा तो इनकी वीडियोस भी कुछ लोग कहते हैं कि मुबीना तौर पर ये लाहौर का ही टिक है बहुत फ़ेमस इसने इस तरह के जानवर पाले हुए और हैं और बहुत से यूट्यूब चैनल्स को उसने इंटरव्यूज दिए हैं अब मैं YouTube चैनल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ आजकल दो तीन चैनल जो है वो आपको जानवर ज़्यादातर दिखा रहे होते हैं किसी ने गीदड़ रखा हुआ है तो किसी ने शेर किसी ने चीता किसी ने टाइगर रखा हुआ है इस तरह के जानवर रखे हुए हैं और वो उनके पास जाते हैं उनके साथ बैठ कर बकायदा प्रोग्राम करते हैं और कुछ जगह पर शेर जो है जगले के पंजरे के अंदर होते हैं कुछ जगह पर खुल्म खुला फिर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी यूट्यूबर ने क्योंकि मैं भी ये हरकत करने वाला था अब थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता लेकिन अगर किया भी तो जंगले के अंदर होगा और उसने वहाँ पर ऑन द कैमरा वहाँ पर कैमरा मैन भी है वहाँ पर वो उसका मालिक जो है ऑनर है वो भी मौजूद है वहाँ पर रिपोर्टर भी है अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो प्रोड्यूसर भी मौजूद होगा टीम भी मौजूद होगी ड्राइवर भी होगा घर के बाकी अफराद भी होंगे जाहिर है ऐसे मौकों पर आपके रिश्तेदार वगैरह मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ ख़ुदा खास्ता ऐसा वैसा हो गया तो मेरे मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की बचत होगी अल्लाह ना करे ऐसा कभी ना हो तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए ठीक है भाई आपके पास पैसा है दौलत है अल्लाह ताला ने दे दिया तो थोड़ा इसको संभाल कर रखें और शेयर रखना कोई बुरी बात नहीं है आप लोग रखें आपके पास कानूनी अथॉरिटीज़ का लेटर वगैरह है तो आप रख सकते हैं थोड़ा एहतियात करना इखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर आपका फ़र्ज़ है और इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बात रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे अल्लाह रहेफ अपना ख्याल रखिए पाकिस्तान पाइंदाबाद